मध्य प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा एक बार फिर से बिल बकायेदारों पर कार्यवाही को लेकर लिस्ट तैयार की गई है। इसी कड़ी में इंदौर के 28 जोनों पर आगामी दिनों में करोड़ों रुपए की वसूली अभियान चलाया जाएगा। वीओ, इंदौर में बिजली की किल्लत के बीच अब बिजली विभाग हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक के बकायेदारी की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने 3 से 4 माह बिल के भुगतान नहीं किए हैं। उन्हें प्राथमिक रूप से मैसेज के माध्यम से बिल का भुगतान करने को लेकर सूचित किया जा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने बिल का भुगतान नहीं किया है अब उनके घर पर दस्तक दी जाएगी। यदि बात की जाए संगम नगर जोन की तो यहाँ पर सैकड़ों बिल के भुगतान नहीं हुए हैं जिनसे करीबन 1.5 करोड़ रुपए वसूली कर रहा है। जिन घरों पर ताले मिल रहे हैं वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिया जा रहा है। श्रीमान अधीक्षण यंत्री साहब हैं, उनके नेतृत्व में पूरे शहर भर में चिन्हित उपभोक्ताओं जो काफ़ी समय से पैसा जमा नहीं कर रहे हैं उन लोगों की सूची बनाकर उनके कनेक्शन काटने की जो कार्रवाई है वो चालू कर दी गई है। और ऐसे उपभोक्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनको असुविधा ना हो इसलिए वो अपना समय पर पेमेंट जोन कार्यालय में या ऑनलाइन मोड से कैसे भी जा कर सकते हैं ताकि उनको असुविधा ना हो। क्योंकि कई 3-3, 4-4 महीने से जिन्होंने पेमेंट नहीं किया और बड़े उपभोक्ता हैं तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई चालू कर दी है। अगर वो डिस्कनेक्शन के बाद में भी पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके लिए ड्यूज एक्ट रिकवरी जब्तीपुरकी की भी अग्रिम आगे चल के कार्रवाई की जाती है। अभी संगम नगर जोन की बात करें तो करीब 1.5 करोड़ का जो एरियर है ऐसे उपभोक्ताओं पर है जो अभी काफ़ी दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हमने सूची बना ली है और उसको प्रत्येक गैंग के हिसाब से अलग अलग एरिया के हिसाब से जो लाइनमैन है उनको दे दी है। और वो जाके वहाँ पर उनको सबसे पहले तो यही कि आप पेमेंट जमा कर दें, जो पेमेंट जमा नहीं कर रहा फिर उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा रही है। अब बकाया तो ज़्यादा रहता है लेकिन फिर भी हम ऐसे उपभोक्ताओं को ही काटते हैं जो रेगुलर बिल नहीं भरते हैं, काफ़ी समय से बिल नहीं भर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर लिया है क्योंकि अभी बीच में कोरोना काल आ गया था, उस दरमियान हम लोगों ने सतत चेकिंग भी और ये सब डिस्कनेक्शंस नहीं कर पाए, जिसके कारण बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको टच नहीं करो, जाके उनको नहीं बोलो तो वो पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी 70-80% पीपल्स ऐसे हैं जो अपना रेगुलर समय पर बिल जमा कर देते हैं ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से। जिन उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा उन उपभोक्ताओं की संपत्ति कुर्की के लिए भी शासन को पत्र लिखा जा चुका है और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में बिजली विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर कुर्की की कार्यवाही भी कर सकता है।